स्टोरी के जरिए हम आपको बता देंगे कि कैसे साउथ कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक शख्स ने एक गरीब खानदान को नए मकान बनाने के नाम पर 6.5 लाख रुपयों के ले लूटा। कश्मीर में मुसीबतें तो कम थी ही नहीं, लेकिन नई नई मुसीबतों का अजाला हो रहा है। हो क्या रहा है मैं आपको बता दूं। पहले आप ये देख लीजिए, ये मेरे हाथ में 6 लाख रुपए के 2 कागज है, यानी कि चेक है। ये जो आप हाथ में देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये 2 लाख रुपए की चेक है और ये 4 लाख रुपए की चेक है। और इसके साथ साथ में ये मेरे सामने एक ऐसी फैमिली है, ये छोटा सा बच्चा, ये लगते जिगर आप देखिए कैसे रो रहा है। और अभी तारीख कुलगाम से यहाँ श्रीनगर आना प्रेस एनक्लेव के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आप लाइव तस्वीर में कैमरा मैन से पहले गुजारिश करूंगा, इनका पूरा चेहरा दिखाए। ये हालत है। अब मसला मैं आपको बताता हूँ क्या है। 2020 में इनके पास एक शख्स आता है जो केवल नाम का ब्रोकर कह सकते हैं या ठेकेदार था। ये फैमिली जो आप मेरे सामने देख सकते हैं, 2020 में इनके पास एक शख्स आता है और इनको मकान बनाना होता है, और एक शख्स आता है उनको ये बता देता है कि आप मुझे 7 लाख रुपए दे दीजिए, मैं आपको पूरा मकान बना के दे दूंगा, उसमें सारी चीजें जो कुछ भी लगेगा मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, और उसके अलावा अगर कुछ पैसे लगेंगे मैं अपने जेब से दूंगा। 7 लाख रुपए लेने के बाद उसमें इन्होंने बैंक से लोन ले लिया। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है, ये इन्होंने बैंक से लोन ले लिया और उसको पैसे दे दिए। ये आप देखिए कश्मीर के अंदर कौन से कांड हो रहे हैं, कश्मीर के अंदर क्या कुछ हो रहा है। जेके बैंक से लोन निकालने के बाद ये करीबन 6.5 लाख रुपए इस तौसीफ अहमद को दे देता है, और तौसीफ अहमद पैसे लेकर जो है इनसे पैसे ले लेता है। और पैसे लेने के बाद आज तक, आज कल परसों सुबह कर रहा है। और जब ये उनके पास चले गए तो इस गरीब खानदान को, इनके लगते जिगर आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे इनके, इनकी बीवी साथ में, उनकी बच्चा साथ में है, इनको धमकाने लगा रिटर्न में। पहले पूरी कहानी आपको सुना देते हैं कि क्या मसला हुआ था, उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार कारण क्या है। म्याज ना फेरजान जी बाजन तहरीगा कुलगाम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम म्याज से तौसीफ अहमद भट वल मंजूर अहमद भट यह सीमेंट शिश्तर कार कड़ा मेडिकल दुकान जित यह यह एडवानस रटान पोस इतने मे रटे एडवानस मे मकान बनाव रटन एडवानस पोस मे पाई यह मे फसावन मे लक्ष तरह सा लोन लोन मे 2 लाख रुपये तथा गारंटर तो सी ठीक अकाउंटस मतलब तमस ठीक कल गई पोस दिखे मे गई 2000 पेट मे वो तेज तहन तेत ये मे हो हट दिन मे ना बन ये मकान क्या दोन मजीद दिमे बिचे गवर्नमेंट हट किन प्राइवेट हट दिमे ना ना तेम तो मतलब मे दोस मिस मे हट दुपन बि दिमे मजीद ति मतलब तेम अलावा दिमे बिचे पोंस इति सी बनी निचे मकान के मे मास पाई इश मे मतलब था। अच्छा तेम पते मे तेम सिज गयो ति तेम पत के उसवन तेम पत अस गोस बि तेम नि दुपन रट जमीन ठीक जमीन बंजर जमीन अस दुप मे तेम दुपन 2 लाख रुपए ठीक सिन बाय ति दुप कुनुख ति दुन 2 लाख तुम दू 2.5 लाख यानी कि अगर मे वोन हाथ से तेमस मे हाथ चंद दाई दुन योर ठीक। अच्छा तमें जमीन रुटवा तुम जमीन मे वनस त मतलब गई तथा मे 4 रेत गई मे तथा वायमित वनस ते हाँ वीडियो अलग पोस दिखम तमो लाज तमो लाज सुकुन सहन तक मे दिस तम कन क्या मे दुख बह खुदकशी तेल ये तम सब दोन बहस दिमा पोस बह कमीन दिन ना क्या दिल रट जमीन आज हेक बह शीरत तम आव दोन इत शेर मकान मिस बह हेक आज वन मकान शीरत आज तुम बस ये द्रोग सो अहन नो मकान दिन बहुत सोरे चीन ठीक चक थे तम दिख मतलब आलरेडी हम मूजूब सबूत अहन दस्खत आ दस्खत ठीक तौसीफ अहमद बार दस्खत ठीक यह सबूत मे मतलब थोमत लास्ट टाइम कर गई तम नश लास्ट टाइम गई मे बसान लगभग गई तम 6 रेत तमें गुमत दुपन इत रट जमीन तम ये यूत दिए मे बह हेक ना क्या लिव मे ब्या नफर तोथन तम दिन दिन कागज कह मोल खटित ठीक
سہ مکلو پہ تتنی قصہ ہُو بہت سہ تل پان تو مکلو سہ کیا پان کر بہت موزود کر وی ایس پی صوبن سہجا میرے ہوت نا سودک میں کی بہت آؤ گوس مجبور یوت یہ بہت گوس ایس پی صوبس نش گوس میڈیا دیکھ میں اکہ وہ گو ات پہ گئی کان کار اب دیکھیے کشمیر کے اندر لوگ پیسوں کے کتنے بھوکے ہو چکے ہیں اور جو یہ بروکرز ہوتے ہیں یہ غریب لوگوں کو بھی نہیں بخش رہے ہیں پیسوں کی لت نے انہیں اتنا اندھا کیا ہے کہ یہ لوگوں کو بے گھر کرنے کے لیے سوچتے بھی نہیں ہے کیوں غریب لوگوں کو سڑک پہ آنا پڑ رہا ہے ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ یہ ڈی سی کلگام ایس ایس پی کلگام تک ضرور پہنچے اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں سر آپ لوگ آپ کے گھر میں بھی بچے ہوں گے ان بچوں کے اوپر نظر ثانی کرے یہ آپ دیکھ سکتے چھوٹے چھوٹے لگتے جگر ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں آپ حالت دیکھیں ان کی رونا آتا ہے واقعی میں ان کو دیکھ کر آخرکار ان کو جواب دے گا کون یہ آپ دیکھ سکتے پوری فیملی رو رہی ہے کیونکہ رونے کے علاوہ ان کے پاس چارہ ہی نہیں ہے ان کو یہ پتا نہیں کہ اگر چیک باؤنس ہو تو کرنا کیا ہے ان پڑھے بےچارے ہم آپ لوگ سے گزارش کرتے کہ مہربانی کر کے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ ڈی سی کلگام اور ایس ایس پی کلگام تک پہنچ جائے اور ان جیسے کے لیے بروکرز کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے آگے مصیبتیں تو کشمیر میں ہر روز آتے رہتے ہیں نئے نئے قسم کے جلوے کشمیر کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن ایسا جلوہ شاید ہی آپ لوگوں نے دیکھا ہو اب آگے جموں کشمیر میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی سب سے پہلے ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے آپ مجھے دیجیے اجازت اللہ حافظ اللہ نگہبان